hello friends how are you i hope you must be having nice time there and friends in today's video we are going to write an interesting paragraph through translation so today's video is going to be very interesting please watch it till the very end and if you are new to my channel please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates and hey friends don't forget to follow me on instagram my user id is all round knowledge but before starting today's lesson लेट्स लर्न एन इंपोर्टेंट इडियम दोस्तों हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं यानी कि उत्थान और पतन दोस्तों इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं अप्स एंड डाउन इट इज अ वेरी यूजफुल इडियम जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं मान लीजिए दोस्तों आवर लाइफ इज अज ऑफ अप्स एंड डाउन्स यानी कि हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है या फिर आप यह भी कह सकते हैं आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट इडियम है इसी तरह दोस्तों एक और इडियम है इन्स एंड आउट्स यह भी काफी इंपोर्टेंट है यानी कि अंदर बाहर की सारी बातें जैसे मान लीजिए हम लोग इस मैटर की इन्स एंड आउट्स का पता लगाएंगे वी विल Find out the ins and outs of this matter. We will find out the ins and outs of this matter. Friends, I will discuss each and every rule of grammar, so don't worry and watch the video till the very end. रेलगाड़ी यातायात का एक प्रमुख साधन है तो दोस्तों साधन के लिए हमेशा मीन्स यूज करेंगे दोस्तों मीन अलग होता है मीन का मतलब अर्थ होना भी होता है मीन से बनता है मीनिंग डू यू मीन टू से आपका कहने का क्या अर्थ है इसके अलावा दोस्तों मीन का अर्थ नीज भी होता है जैसे ही इज अ मीन फेलो वह एक नीच आदमी है लेकिन जब एस लग जाता है तब इसका अर्थ हो जाता है साधन और इसे आप मिंज पढ़ सकते हैं तो रेलगाड़ी यातायात का एक प्रमुख साधन है तो यहां पर लिखेंगे द ट्रेन इज एन इंपोर्टेंट मिंज ऑफ ट्रांसपोर्ट द ट्रेन इज एन इंपोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में क्या अंतर है ट्रांसपोर्ट ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है और ट्रांसपोर्टेशन अमेरिकन इंग्लिश में यह बहुत लंबी होती है तो यहां पर लिखेंगे इट इज Very long, दोस्तों होती है इसके लिए भी आप का यूज कर सकते हैं यह एक बार में सैकड़ों लोगों को ढो सकती है तो दोस्तों यहां पर ढो सकती है यानी कि एबिलिटी है कैपेसिटी है क्षमता का बोध होता है तो दोस्तों यहां पर कैन का यूज करेंगे इट कैन कैरी ढो सकता है सैकड़ों लोगों को हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक बार में एट अ टाइम इट कैन केरी हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम भारत में इसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें एस या एस एड हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट अब दोस्तों यहां पर एक और सवाल है कि और भी को इंग्लिश में क्या कहेंगे और भी यानी कि इवन मोर अब दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है तो मन में एक सवाल करेंगे कौन किसका तो इसका महत्व यानी कि इट्स इंपोर्टेंस बढ़ जाता है इंक्रीजेस यहां पर एस ऐड कर देंगे क्योंकि इट्स इंपोर्टेंस एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है गिन नहीं सकते इट्स इंपोर्टेंस इंक्रीजेस और भी इवन मोर भारत में इन इंडिया इट्स इंपोर्टेंस इंक्रीजेस इवन मोर इन इंडिया क्योंकि भारत एक घनी आबादी वाला देश है तो यहां पर लिखेंगे बिकज इंडिया इज डेंसली पॉप्यूलेटेड कंट्री बिकॉज इंडिया इज अ डेंसली पॉप्युलेटेड कंट्री यहां हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो यहां पर लिखेंगे हियर थाउजेंड ऑफ पीपल यात्रा करते हैं ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह फ्रोम वन प्लेस टू अनदर हियर Thousands ऑफ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इसके अलावा रेलगाड़ियां माल ढोने का काम भी करती है या सीधे माल ढोती है तो यहां पर लिखेंगे इसके अलावा यानी कि अपार्ट फ्रोम दिस दोस्तों इसके लिए आप बिसाइड्स दैट का भी यूज कर सकते हैं बिसाइड्स दैट रेलगाड़ियां माल ढोने का काम भी करती है द ट्रेन ऑल्सो कैरी गुड्स गुड्स का मतलब होता है सामान वस्तु और दोस्तों हुबहू सेंटेंस के अनुसार लिखें कि माल ढोने का काम भी करती है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्रेन ऑल्सो Do the work of carrying goods. इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसका एक इंजन होता है और कई डिब्बे होते हैं इसका यानी इसके पास इट हैज एंड इंजिन एंड मेनी बॉगीज इट हैज एन इंजिन एंड मेनी बॉगीज इंजन ईंधन या बिजली पर चलता है बिजली पर यानी कि बिजली से चलता है तो से रहे या पर हमेशा आपको ऑन यूज करना है तो यहां पर लिखेंगे द इंजिन रंस ऑन fuel और इलेक्ट्रिसिटी The engine runs on fuel or electricity। हम दूर के स्थानों पर रेलगाड़ी से जाते हैं दोस्तों दूर के स्थानों पर यानी कि फार ऑफ प्लेसेस तो यहां पर लिखेंगे वी गो टू फार ऑफ प्लेसेस रेलगाड़ी से बाय ट्रेन दोस्तों आप यहां पर टू का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा वी गो फार ऑफ प्लेसेस बाय ट्रेन दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं वी गो By train to distant places we go by train to distant places प्लेसेस रेलगाड़ी के कई दरवाजे और खिड़कियां होती है तो यहां पर लिखेंगे द ट्रेन हैज मेनी डोर्स एंड विंडोज द ट्रेन हैज मेनी डोर्स एंड विंडोज कुछ आपातकालीन खिड़कियां भी होती है तो यहां पर देयर से शुरू करेंगे देअर आर ऑल्सो सम इमरजेंसी विंडोज देर आर ऑल्सो सम इमरजेंसी विंडोज दुर्घटना की स्थिति में वे यात्रियों को रेलगाड़ी से उतरने में सहायता करती है दोस्तों दुर्घटना की स्थिति में यानी कि इनकेस ऑफ एक्सीडेंट तो दोस्तों इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं वे यात्रियों को रेलगाड़ी से उतरने में सहायता करती है वे यानी कि रेलगाड़ी यहां पर लिख सकते हैं देप द पैसेंजर्स रेलगाड़ी से उतरने में इन गेटिंग ऑफ द ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट दे हेल्प द पैसेंजर्स इन गेटिंग ऑफ द ट्रेन इनकेस ऑफ एन एक्सीडेंट रेलगाड़ी के कई सीटें होती है तो यहां पर लिखेंगे द ट्रेन हैज मेनी सीट्स द ट्रेन हैज मेनी सीट्स इसके कई पहिए होते हैं जो लोहे के बने होते हैं तो यहां पर लिखेंगे इट हैज मेनी व्हील्स जो लोहे के बने होते हैं विच आर मेड ऑफ आयरन इट हैज मेनी व्हील्स विच आर मेड ऑफ आयरन यह रेलवे ट्रैक्स पर चलती है तो यह है सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंटेंस में यहां पर लिखेंगे it runs on railway tracks it runs on railway tracks यह सिर्फ स्टेशन पर रुकती है तो यहां पर लिखेंगे it stops only at the station इट स्टॉप ओनली एट द स्टेशन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बना रहता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट स्टेशन पर ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट ऑन द स्टेशन यात्री वहां से इस पर सवार होते हैं तो सवार होना इसके लिए आप बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे द पैसेंजर्स एक से अधिक है तो यहां पर लिखेंगे बोर्ड इट यानी इस पर सवार होते हैं बोर्ड इट वहां से फ्रोम देअर द पैसेंजर्स बोर्ड इट फ्रॉम देयर आप चाहें तो गेट ऑन का भी यूज कर सकते हैं गेट ऑन का अर्थ भी होता है चढ़ना द पैसेंजर्स गेट ऑन द ट्रेन फ्रॉम देयर हमें ट्रेन को साफ रखना चाहिए वी शुड यानी कि जहां पर चाहिए एडवाइस सलाह रहेगा तो हमेशा शुड यूज करना है वी शुड कीप द ट्रेन नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा वी शुड कीप द ट्रेन नीट एंड क्लीन मुझे ट्रेन से यात्रा करना पसंद है तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन आई लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं द ट्रेन इज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज वेरी लॉन्ग इट कैन कैरी हंड्रेड ऑफ पीपल एट अ टाइम इट्स इम्पोर्टेंस इंक्रीजेस इवन मोर इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ डेंसली पॉप्यूलेटेड कंट्री हियर थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्रेन ऑल्सो कैरी गुड्स It has an engine and many bogies. The engine runs on fuel or electricity. We go far off places by train. The train has many doors and windows. There are also some emergency windows. They help the passengers in getting off the train in case of an accident. The train has many seats.

साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए ऑल राइट फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग है